मित्रों, शादी का नाम सुनते ही सभी के मन में लड्डू फूट पड़ते हैं। जो खाए वो पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। दोस्तों, ये मुहावरा बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं अंतर जातीय विवाह के बारे में। मित्रों, हिंदू सनातन धर्म अंतर जातीय विवाह करने की अनुमति प्रदान करता है या नहीं, आइए जानते हैं। मित्रों, आजकल किसी भी धर्म में और जाति में शादी करना एक फैशन सा बन गया है। मित्रों, हिंदू धर्म में शादी करना एक संस्कार है जिसके बाद व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है। शादी को पवित्र बंधन भी कहा गया है। अतः इस बंधन में बंधने वाले लड़के और लड़कियों के लिए शास्त्रों में कुछ नियम भी निर्धारित किए गए हैं। मित्रों, वर्तमान समय में लोग पश्चात के रंग में रंगे हुए हैं, उन्हें तो अपनी धर्म और संस्कृति को फॉलो करना ओल्ड फैशन लगता है। तभी तो आजकल हर जगह इंटरकास्ट मैरिज आपको देखने को मिल जाती है। मित्रों, लेकिन शास्त्र इसकी इजाजत नहीं देता है। पुराणों में कहा गया है कि अंतर जातीय विवाह से जो बच्चे पैदा होते हैं वे वर संस्कार होते हैं और उन्हें पितरों को दर्पण और पिंडदान करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि उनके द्वारा किया गया दर्पण और पिंडदान पितर स्वीकार नहीं करते हैं। माता पिता की जाति अलग होने से संतान के अंश में भी अंतर रहता है। मित्रों, सजाति विवाह से पैदा हुई संतान अपने ही कुल का विनाश करती हैं। श्रीमद भागवत पुराण के आरंभ में ही धुंधकारी और गोकर्णी कथा इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। मित्रों, महाभारत में भी कुल के विनाश का कारण इंटरकास्ट मैरिज था। महाराज शांतनु ने क्षत्रिय होते हुए मछुआरे की कन्या सत्यवती से शादी रचाई। भीष्म ने तो ब्रह्मचार्य का व्रत ले लिया। सत्यवती के पुत्र छोटी आयु में ही स्वर्ग सिधार गए। सत्यवती के पहले पुत्र महर्षि व्यास की कृपा से पांडनु और धृतराज का जन्म हुआ। मित्रों, दोनों पुत्रों में महाभारत युद्ध हुआ और कुल का विनाश हो गया। मित्रों, वैज्ञानिकों ने आम और बेर आदि वृक्षों से दूसरी नस्ल के पौधों को लगाकर एक वृक्ष में दो प्रजाति के फल लेने की विधि तैयार की, किंतु दुख की बात यह है कि इन दोनों पौधों में लगे फलों के बीज से आगे पौधे उत्पन्न करने की क्षमता समाप्त हो जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि वर संस्कार संतान से वंश वृद्धि की संभावना समाप्त हो जाती है। विजाति विवाह से दोनों के गुण समाप्त हो जाते हैं और नवीन विकृतियां युक्त गुणों का उद्भव होता है। मैं तो आइए जानते हैं विज्ञान क्या कहता है। भारत में सदियों से सजाति यानी अपनी जाति में विवाह करने की परंपरा रही है, परंतु हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम ने पता लगाया है कि भारतीय पुरुषों में शुक्राणुओं के उत्पादन के लिए जिम्मेदार वाई क्रोमोसोम्स गुणसूत्रों के खात्मे का यही प्रमुख वजह हो सकती है जिससे भारतीय पुरुष बांझ हो सकते हैं। मित्रों, भारतीय जनसंख्या कई प्रकार से अनूठी है और गत 2000 वर्षों से सजातीय विवाह परंपराओं का पालन कर रही है। वैज्ञानिक के अनुसार इसलिए जरूरी है कि वो अपने धर्म में और अपनी जाति में ही शादी करें जिससे कि बांझपन एवं अन्य समस्याओं से बचा जा सके।